मौदा पिछले 20 साल में एक औद्योगिक शहर बन के उभर आया है। पिछले कई सालों में मौदा शहर में कई नए लेआउट बने हैं। लेआउट बनते समय हर लेआउट में बगीचा और रहवासी लोगों को घूमने फिरने के लिए बालकों को खेलने कूदने हेतु ओपन स्पेस रखना अनिवार्य है। लेकिन मौदा नगर पंचायत की अनदेखी और उदासीन रवैये के कारण इन ओपन स्पेस पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। शहर में कई ओपन स्पेस पर मोबाइल टावर, विद्युत ट्रांसफार्मर खड़े किए गए हैं। जगह जगह बड़े बड़े घास उगाई है तो कई ठिकानों पर बारिश के पानी का भारी मात्रा में संचयन होने के कारण मच्छर का प्रकोप बढ़ा है। लेकिन स्थानीय नगर पंचायत पूरी तरह सुस्त दिखाई देती है। एक तरफ इन लेआउट में रहने वाले नागरिकों से सभी प्रकार के टैक्स वसूले किए जाते हैं, लेकिन नगर प्रशासन नागरिकों की समस्या छुड़वाने पूरी तरह असफल नजर आती है। मोदा शहर जवर जवर 70-80 लेआउट असून एकही लेआउट मध्ये असा मला जाणवलेला नाही आहे। फक्त जिम जिम लावलेले आहेत, मुलं येतात खेळतात, त्या पद्धतीची एकही सोय मोदा नगर पंचायत झालेला आहे, पण त्या पद्धतीची एकही पद्धतीची सोय इथं मला आढळून येत नाही। मोदा शहर विकसनतेच्या काही दिसून राहिलेला नाही, कारण जिथं मुलाला खेळायला पाहिजेत तिथं इलेक्ट्रिक पोल, कुठं डीप्या, याच पद्धतीचे जे प्रशासन झोपली आहे का आहे असं मला काही समजू नाही। आणि जेव्हा गावकरी त्या ग्रीम जिम किंवा त्या ओपन पेसच्या विषयी विचारायला जातात तर ती जे 7-12 बनलेले नाही आहेत हा सर्वात मोठा विषय बनून गेला। कारण 7-12 तहसीलदार बनवायला टाळाटाळ करतो आणि इकडं नगर पंचायत म्हणते का 7-12 पाहिजे, तर जनतेने काय करावं हा सर्वात मोठा मुद्दा माझ्यासमोर। BCN न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरले की रिपोर्ट।